गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस इनिशिएटेड बाय श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल माय सेल्फ कृष्ण कुमार हिंदी एजीटी। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे और नेक्स्ट टॉपिक। आज हम कक्षा 9वीं के लिए वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे बच्चे। हमने प्रीवियस क्लास में वर्ण विचार किया था, आज हम करने जा रहे हैं वर्ण विच्छेद। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से हमें कितने अंक का क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है। तो फाइनल या किसी भी एग्जाम में वर्ण विच्छेद से हमें अधिकतम 2 अंक का प्रश्न जो है हमें मिल सकता है। अब ये 2 अंक का जो प्रश्न है ये सिंपल आएगा बच्चे कि आपको कोई भी इस प्रकार के शब्द दे देंगे। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया वैज्ञानिक, लिख दिया मैंने सपोज करो मैंने क्षत्रिय शब्द लिख दिया, तो आपको ये इस प्रकार के शब्द मिलेंगे और आपको क्या करना होगा, इन शब्दों में दिए गए जो वर्ण है उन सभी वर्णों का विच्छेद करना होगा। तो 2 अंक का क्वेश्चन हमें मिलेगा। सीधी सी बात है बच्चे, हमें यहाँ से कम 4 शब्द मिलेंगे क्योंकि हर एक शब्द जो है वो हाफ मार्क्स कैरी करेगा। इस तरीके से हमें 4 शब्द दिए जाएंगे और चारों शब्दों के हमें वर्ण विच्छेद करने होंगे। अगर हम चारों शब्दों के सही तरह वर्ण विच्छेद कर पाते हैं तो हमें यहाँ से बच्चे 2 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो अब देखते हैं हमें वर्ण विच्छेद करना कैसे है। वर्ण विच्छेद करने के लिए हमें किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बच्चे हम एक बिल्कुल सिंपल से शब्द से समझेंगे कि वर्ण विच्छेद होता क्या है। तो ये तो हमें पता ही है कि कोई भी जो शब्द है वो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। तो उन वर्णों को अगर हम विच्छेद करके लिख देते हैं, अलग अलग करके लिख देते हैं, तो अपने आप में वो वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अब वर्ण का हमें पता है बच्चे कि कोई भी जो वर्ण है उसके हम जब टुकड़े करते हैं, सपोज करो हमारे पास कोई ये वर्ण है, व्यंजन जितने भी वर्ण हमारे पास होते हैं, स्वरों के तो खैर हम टुकड़े नहीं कर पाते, लेकिन जो व्यंजन हमारे पास होते हैं उन व्यंजनों के जब हम टुकड़े करते हैं तो हर एक व्यंजन में एक हमें क्या मिलता है, स्वर मिलता है। जब किसी भी व्यंजन से हम उसका स्वर भाग निकाल देते हैं तो वो व्यंजन क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। और जब कोई व्यंजन आधा रह जाता है तो हम उसके नीचे तिरछी पाई लगाते हैं और इस तिरछी पाई को हिंदी में हलंत के नाम से जाना जाता है। इस तिरछी पाई को हिंदी में हलंत के नाम से जाना जाता है। अब जिस व्यंजन के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है उसका मतलब ये होगा कि वो व्यंजन अपने आप में आधा है। अब हमें वर्ण विच्छेद में यही काम करना होगा। मैंने बिल्कुल एक छोटा सा शब्द लिया था यहाँ पर सबसे पहले आपको समझाने के तौर पर। जैसे मान लो हमारे पास घर शब्द है। अब घर में हमें पता है वैसे तो 2 वर्ण है, घ और र, लेकिन ये इनका पूरा विच्छेद नहीं है। पूरा विच्छेद करने के लिए हमें इन व्यंजन के अंदर से उस जो स्वर यहाँ पर मौजूद है वो हमें बाहर निकालना होगा। अब अगर इस पर कोई मात्रा नहीं है इसका मतलब यहाँ से ए बाहर निकलेगा, फिर रे के अंदर से फिर क्या निकल जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा। ये इस शब्द का क्या बन गया, वर्ण विच्छेद हो गया इस शब्द का। तो आगे हम देखते हैं कि वर्ण विच्छेद करते समय हमें बच्चे किन किन बातों का आवश्यकता है हमारे लिए कि हम उन बातों का बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है ना ध्यान रखें। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, जब भी बच्चे हम वर्ण विच्छेद करने जा रहे हैं तो हमें एक तो स्वर की मात्राओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमारे पास सबसे पहला स्वर है पर इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जब आप आ स्वर पे आ जाते हैं तो ये हमारी मात्रा है। ई के लिए, ई के लिए बड़ी मात्रा हो जाती है, ऊ के लिए छोटा, बड़े ऊ के लिए उसे आप ऊ बोलते हैं, री के लिए ये मात्रा होती है, ए के लिए ये सिंगल मात्रा, आई के लिए मात्राएं 2 हो जाती है, ओ के लिए ये मात्रा होती है और औ के लिए यहाँ पर भी मात्राएं 2 हो जाती हैं। तो एक तो बच्चे हमें इन मात्राओं का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि हर शब्द हर व्यंजन के अंदर से ए ही बाहर निकले, ये कोई जरूरी नहीं है।
जब शब्द के अंदर का दिया हुआ वर्ण, सपोज करो काक शब्द दे दिया, अब हमें इसका अगर वर्ण विच्छेद करना पड़े तो ये नहीं है कि हम इसके अंदर से ए निकालेंगे फिर से एक ए करेंगे, नहीं, इसके अंदर से क्या निकलेगा, आ भार आएगा, हम यहां पर आ करेंगे, फिर से क है, क प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये शब्द का क्या होगा, वर्ण विच्छेद होगा। ठीक इसी प्रकार से जब क के साथ ई की मात्रा आ जाए, जैसे सपोज करो किसी लिखा हुआ है हमने, तो अब यहां से ए भार नहीं आएगा, यहां से क्या भार आएगा, ई भार आएगी। अब आगे से मात्रा दी हुई है, इसका मतलब ये छोटी ई है, फिर से हम इस शब्द के अंदर से सह निकालेंगे और फिर यहां पर मात्रा जो है पीछे से है, इसका मतलब ये बड़ी ई मात्रा है, तो ये शब्द का क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जितने स्वर उतनी ही मात्राएं सिर्फ ए को छोड़कर, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे साथ जो व्यंजन दिया हुआ है उस व्यंजन के साथ मात्रा कौन सी लगी हुई है, हमें उस व्यंजन में से उसी मात्रा वाले स्वर को भार निकालना है, हर बार हम ए के पीछे नहीं जाएंगे। एक तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, दूसरी चीज ये है बच्चे कि हमारे पास चार व्यंजन ऐसे हैं जिनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इनका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहां भी हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, और वो सावधानी क्या होगी कि ये वो व्यंजन है जिनके साथ दो व्यंजन और एक स्वर होता है, हमें वो दोनों व्यंजन भार निकालने हैं, हमें वो दोनों व्यंजन निकालने हैं। अगर किसी शब्द में ये वर्ण दिया हुआ है तो इस अकेले वर्ण के ये विच्छेद होंगे, फिर उसके बाद आप बाकी शब्दों का भी, बाकी वर्णों का भी क्या करोगे, वर्ण विच्छेद करोगे। ठीक इसी प्रकार से तय में रखा है तो तय प्लस र प्लस अ, अगर अज्ञा में रखा है तो ज प्लस इन प्लस अ, और अगर श में रखा है तो श प्लस र प्लस अ, ये हम इनका क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई एक ऐसा शब्द जो संयुक्त व्यंजनों में से आता है, सपोज करो हमने यहां पर हमने लिख दिया क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द हमने लिखा, अब सबसे पहले अक्षय है तो अक्षय का वर्ण विच्छेद ये होगा, यानी कि हम क प्लस स प्लस ए की तरफ जाएंगे। उसके बाद त्रय दे रखा है तो त्रय का तो वैसे ये वर्ण विच्छेद बनता है, लेकिन यहाँ पर स्वर की मात्रा ई दे रखी है, तो इसका मतलब यहाँ ए की जगह क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी, तो इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे, तय प्लस र प्लस ई। उसके बाद हमारे पास यह है तो हम क्या करेंगे, य प्लस ए, ये इसका क्या बन गया, वर्ण विच्छेद बन गया। तो हमें संयुक्त व्यंजनों का भी क्या करना है, सावधानी पूर्वक ध्यान से मतलब इनका हमें विच्छेद करना है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीज है अनुस्वार, अनुस्वार भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अनुस्वार का भी हमें ध्यान रखना है। अनुस्वार हमें पता है बिंदु होती है, अब अनुस्वार के केस में बच्चे हमारे पास दो तरीके हैं, जब किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग कर रखा हो, सपोज करो हमारे पास चंचल शब्द है, अब अगर हमें इसका वर्ण विच्छेद करना पड़ जाए तो सबसे पहले हम चय का किया, ए के साथ हमें अंग वर्ण अनुस्वार ले लिया, फिर चय के बाद ए, फिर ल के बाद ए, ये चंचल का वर्ण विच्छेद हो गया, लेकिन ये वर्ण विच्छेद पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है। अगर हमें इसका बिल्कुल सही वर्ण विच्छेद करना है तो हमें प्रत्येक वर्ण का, अब यहां से देखो हमने चय के अंदर से ये ए भी निकाल लिया और अनुस्वार को इसके साथ ही रख दिया, अगर हम इसको बिल्कुल सही करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम चय का वर्ण विच्छेद करेंगे, ये हमने चय का वर्ण विच्छेद कर दिया, उसके बाद हमें पता है अनुस्वार भी अपने आप में एक वर्ण होता है तो हम अनुस्वार के ऊपर गए। अब अनुस्वार का वर्ण विच्छेद करते समय आपको क्या करना है, अनुस्वार से अगले वाले वर्ण के पास जाना है। अब ये अगले वाला वर्ण जो है, यानी कि अनुस्वार से आगे जो वर्ण होगा, हमारी हिंदी में ये पांच जो है ना लाइनें होती हैं जिन्हें पांच वर्ग बोल देते हैं, इनको पांच वर्ग बोल देते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो व्यंजन है वो इनमें से किसी लाइन में से, सपोज करो ये चय वाली लाइन में से ही है,
तो चै की लाइन का जो लास्ट होता है चै छै जय झ इयं, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, चै की लाइन के लास्ट में अनुस्वार अपने आप में आधा होता है, तो यहाँ इयं भी अपने आप में क्या होगा आधा, फिर से हम चै का कर देंगे और फिर से हम लय का कर देंगे। ये हमें सावधानी बरतनी है अनुस्वार के केस में। अब तीसरी चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है बच्चे, इसी के साथ अनुस्वार के लिए मैं एक चीज और बता दूं आपको, कभी कभार शब्द ऐसा भी आ जाता है, सपोज करो ये शब्द हमारे पास आ गया, हमने सबसे पहले सह का किया अनुस्वार में गयम, अब अनुस्वार से नेक्स्ट वाला वर्ण व है, अब ये किसी भी वर्ग में नहीं आता, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसका उच्चारण करेंगे। अब जैसा उच्चारण होगा सम वहन, इसका मतलब किसकी आवाज आ रही है, मैं की, ज्यादातर केस में मैं या मैं की ही आवाज आती है, तो हमने इसको मैं में चेंज कर दिया, उसके बाद वह को बदला हमने, फिर है को बदला हमने, सॉरी है का वर्ण विच्छेद किया, फिर मैं का वर्ण विच्छेद हमने किया, तो ये समवहन का क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। आई थिंक वर्ण विच्छेद के आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अब एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं, शायद आप इससे वाकिफ होंगे या नहीं होंगे, कभी कभार हम कुछ इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं, जहां पर शब्द के अंत में सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा है, सिरोरेखा मीन जो ये लाइन हम लगाते हैं सिरोरेखा होती है, इसके ऊपर शब्द के लास्ट में कोई मात्रा और मात्रा के साथ अनुस्वार लगा रखा है। बच्चे ये सिर्फ लिखने में अनुस्वार है, वास्तविकता में ये क्या होता है, वास्तविकता में ये अनुनासिक होता है, सिर्फ लिखने के लिए अनुस्वार है ये। क्यों है ये, क्योंकि अगर हम यादें को इस प्रकार से लिखेंगे तो ये शब्द की बनावट क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, इसलिए बनावट को ध्यान में रखते हुए इसको इस तरीके से लिखा गया। मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब आप इनका वर्ण विच्छेद करो तो इसको अनुस्वार समझ के न करें, इसको अनुनासिक समझ के करें। अब ये जो है इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर से अनुनासिक बाहर निकाल दिया। आई होप वर्ण विच्छेद के सारे रूल रेगुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।